हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शिवा उपाध्याय, हैशटैग नोनो, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 बजने वाले हैं अप्रॉक्स, मतलब 15 मिनट बाकी है। और आज घर मामा आ रहे हैं गांव से, तो अब वो भी निकल चुके हैं वहां से यहाँ के लिए, तो वेट कर रही हूँ उनका कि वो जल्दी से आ जाए। काफ़ी दिन बाद घर आ रहे हैं। हम तो अभी गए थे गाँव, उनसे मिल के आए हैं वैसे। और आज बड़ी दीदी भी जा रही है, उसके ऑफिस खुल गया है, गुड़गांव वापस जा रही है। बहुत ख़राब लगेगा वैसे वो चली जाएगी तो, काफ़ी दिन से सब साथ में थे, अब अचानक से सब चले जाएंगे तो बड़ा बेकार लगेगा। वेल, दी जा रही है, अभी उसकी पैकिंग बाकी है, शाम की उसकी ट्रेन बस कुछ है, पूछ के बता दूंगी। अभी कंफर्म नहीं कि ट्रेन से जा रही है कि बस से। ट्रेन से ही जा रही है, बस से तो नहीं जाएगी वो, तो उसकी शाम में है। और अभी उसकी पैकिंग में मैं उसकी हेल्प कर दूंगी। एंड या फिर चलिए, जैसा जैसा पूरा दिन चलता जाएगा मैं आपके साथ हमेशा जो जैसे शेयर करती हूँ वैसे ही मैं शेयर करूँगी। फिलहाल मैं नीचे आ गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ अपने घर का जल्दी से काम निपटा लूँ, उसके बाद कॉफ़ी पीऊँगी, तब आपसे आराम से मिलते हैं। फाइनली मेरी कॉफ़ी। और अपनी देर के गए थे, खुद ही बनाने लगे थे क्या? तुमको ही बैठा दिया। अच्छा, सब ऊपर है, डोना वोना सब लाया हो ना? कॉफी बना लाई हूँ, अब मैं आराम से कॉफी पीऊंगी। और पापा को मार्केट से समोसे लेने गए थे, समोसे खस्ते वगैरह लेने गए थे ब्रेकफास्ट में, तो एक घंटा पहले गए थे जब मैं बर्तन धुलना शुरू की थी। इन्हें बिल्कुल बदतमीजी पसंद नहीं ना, करें ना जाने, पापा बोल रहे पीछे। ओके, तो एक घंटा पहले गए थे और ये एक घंटा बाद आ रहे हैं, मतलब इतना लेट। और दुकान बगल में ही है, पड़ोस में। वही मैं पूछ रही थी कि तुम्ही से तलवा रहे थे क्या भाई, एक घंटा लेट। अब मैंने कॉफ़ी भी बना ली, अपना काम भी कर लिया, तब से मैं अभी जस्ट पापा को कॉल करने ही वाली थी कि काफ़ी लेट से गए, अभी तक घर नहीं आए। तब तक जब मैं कॉफ़ी रखी तब तक देखा कि पापा आ गए। वेल, चलिए कॉफ़ी इन्जॉय करती हूँ, मामा का वेट भी कर रही हूँ, जल्दी से आ जाए वो, एक घंटे में शायद पहुँच जाएंगे, तो मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ और तब मिलते हैं। मामा नीचे आ गए हैं, नाश्ता पानी कर लिया है उन्होंने, बैठे सबसे बातें कर रहे हैं। और दीदी अपनी पैकिंग कर रही है, उसको जाना है, 7-8 बजे की ट्रेन है जो भी है, मतलब जा रही है वो गुड़गांव, तो उसकी भी तैयारियां हो रही हैं, खाना वाना बन रहा है ताकि वो खावा के आराम से चले जाए। वैसे दीदी का कन्फर्म नहीं है, मतलब जा तो ऑफिस वर्क से रही है पर कन्फर्म नहीं कि वहाँ स्टे करे, तो हो सकता है कि वो परमिशन ले के अपने सीनियर से 1 वीक में वापस आ जाए, और हो सकता है कि उसको वहीं पे रहना पड़े। वेल, जो भी होगा मैं बताऊंगी ज़रूर। अभी तो नीचे पैकिंग चल रही है, तैयारियां चल रही हैं उसकी जाने की, खाना बनाने की, खाना बनना शुरू हो गया अभी से रात का, ताकि वो खा के जाए। ओके, जब वो जाएगी तब मिलाएंगे। और मैं अभी ऊपर आके आराम से बैठी, तब से मामा से बातें कर रही थी, एकदम से आए थे वो, थके थके से थे, तो अभी वो भी रेस्ट कर रहे हैं, मैं ऊपर आ गई हूँ और बाकी सब लोग नीचे ही हैं। तो एंड आज तो मेरा प्लान वैसे बाहर जाने का था, लेकिन आज मैं बाहर नहीं गई क्योंकि दीदी जा रही थी तो उसको सी ऑफ करना था, तो इसलिए मैं कहीं बाहर नहीं गई, घर ही में हूँ और बैठी हुई हूँ। अभी बज गए हैं शाम में 6 बज गए हैं, और देखते हैं अब कैसे निकलती है। ओके, तो चलते हैं जल्दी से नीचे, दीदी का टाइम हो गया, दीदी जा रही है तो उसको हम लोग ड्रॉप करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट तक, वो बस से जा रही है, मैं समझ गई, कंफर्म हो गया है। और वो हमेशा ट्रेन से जाती है एक्चुअली, तो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था वो बस से जा रही है इसलिए। ओके, तो उसकी तैयारी हो गई है, वो बैग पैक ले गई है, सब कुछ करके चली गई है, अब मैं भी जा रही हूँ नीचे, उसके साथ बाहर जाते हैं, मुझे भूख भी लग रही है, देखते हैं कुछ खाते हैं, घर में खाते हैं कि बाहर खाते हैं, जो भी होता है। चलिए अभी निकलते हैं, फिलहाल देर हो रही है। तैयारी देखिए कितनी जोरों शोरों से हो रही है, मंदिर में दर्शन करने जा रही है, दर्शन करके तब चलेगी। ये देखो मेरा बेटा आ गया, ये देखो मामा का बच्चा आ गया। खाना की खा लिया, खाना खा लिया, हाँ?
देखिए दर्शन के लिए पहुंच गई दीदी। हम भी रेडी हो गए हैं, बस भूख लगी है, खाना खा ले। सब लोग खाना खाने का वेट कर रहे हैं, खाना निकल रहा है, सब लोग खाना खा ले फिर दीदी को छोड़ने जाएंगे। हम आज मेरी चिट्टी पिट्टी को मैं पापा बहुत स्कूल में बहुत हैवी ड्राइवर बने हुए हैं। चला कहाँ गया यार? वो देखो तू सामने, वो देखो एरोप्लेन जा रहा है। अनु कहाँ गया? बाय दीदी। अच्छा अच्छा अनु जा रखवा, मामा जा जाएंगे। सन्नाटी है, मुझे तो बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रही है जगह। हाँ मैं बैठ चुकी हूँ ऐसी बस में। उसको देखिए अकेले खेल रहा छोटा सा पपी। फिफ्टीन पे तो कितना बज रहा है अभी? चिप्स वगैरह कुछ रख लो ना रात में, मूवी भी देखोगी तो रख लो। अनु तुम भी जा रही हो? तुम भी मिल लो। पापा गले नहीं मिले तुम? बाय। चलो हम लोग भी निकल रहे हैं, गाड़ी 10 मिनट में यहाँ से निकल जाएगी। खड़े खड़े यहाँ पे बैठने का कोई साधन नहीं है तो थक गए, हम लोग भी निकले। चलो भाई अब आप लोगों को मिलती हूँ मैं सीधा घर पे। इस व्लॉग की एंडिंग घर पे करूँगी जाके। ओके तो हम लोग घर वापस आ गए हैं। दीदी बस पे बैठ गई थी, चली गई थी, उसकी कॉल आ गई थी, उसने इन्फॉर्म कर दिया वो चली गई है गुड़गांव। और होप सो कि उसका वर्क फ्रॉम होम हो जाए, वो वापस घर आ जाए अगले वीक तक। ओके सो यही थी हमारे पूरे दिन की जर्नी। और अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ, एडिटिंग करने बैठूंगी और अभी अपलोड भी करना है मुझे। सो या बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, तो कल फिर मिलेंगे एक नई सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सबको क्या करना है आप सबको पता है, पर फिर भी मैं बोल दे रही हूँ, आपको अपने से प्यार करना है, अपनों से प्यार करना है और हमेशा अपनों के साथ रहना है, अपनों का।